हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है लेंस। कल हमने आप लोगों को आई के बारे में पढ़ाया था और उसका स्ट्रक्चर बताया था, तो उसमें से आज हम स्टार्ट करते हैं लेंस। द लेंस इज हाईली इलास्टिक सर्कुलर बाई कॉन्वेक्स बॉडी लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द प्यूपल। जो लेंस होता है वो हाईली इलास्टिक होता है, सर्कुलर मतलब गोल होता है, बाई कॉन्वेक्स मतलब द्व्युत्तक होता है, बॉडी होती है लाइंग इमीडिएटली बिहाइंड द पीपल, और ये कहाँ पे पाया जाता है, पीपल के पीछे। द लेंस बेंड्स लाइट रेज रिफ्लेक्टेड इन टू द आई फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन द विजुअल फील्ड। इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है वो बेंड्स हो जाता है जब क्या होता है, लाइट की रेजेस रिफ्लेक्ट होती है कहाँ पे, आई में, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा जब कोई लाइट जो होती है, रेजेस जो होती हैं रिफ्लेक्ट करती हैं, तो हमारा लेंस जो होता है वो बेंड हो जाता है। और ये जो हमारे मतलब रेजेस होती हैं वो कहाँ पे जा रिफ्लेक्ट करती है, हमारे विजुअल फील्ड्स पे, जहाँ पे हमारे, जहाँ से हमें विजन का पता चलता है, जहाँ से हमें कलर का पता चलता है, जहाँ से हमें ये मतलब पता चलता है कि हाँ ये चीज़ हमने देखी है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लेंस होता है वो बेंड्स हो जाता है, जैसे ही लाइट के जो रेजेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं आई में किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, कहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं, विजुअल फील्ड में करती हैं। इट इज़ द ओनली स्ट्रक्चर इन द आई दैट कैन वेरी इट्स थिकनेस एंड देयर फॉर इट्स रिफ्रेक्टरी पावर टू फोकस लाइट रेज ऑन द रेटिना। ये इट इज़ द ओनली स्ट्रक्चर, यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है आई का दैट कैन वेरी इट्स थिकनेस, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, थिकेस्ट होता है, एंड देयर फॉर इट्स रिफ्रेक्टरी पावर, और इसके अंदर क्या होते हैं, रिफ्रेक्टरी पावर्स होते हैं जो हमारी लाइट रेजेस पे क्या कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, कहाँ पे, ऑन द रेटिना पे। मतलब ये ऐसा स्ट्रक्चर है आई का जो बहुत ज़्यादा थिकनेस होती है इसके अंदर, इसमें रिफ्रेक्टरी पावर होती है जो लाइट रेजेस पे फोकस कर सकते हैं, कहाँ पर, ऑन द रेटिना पर। When the ciliary muscles contracts, it releases its pull on the lens, increase its thickness. जब हमारी ciliary muscles जो होती है contract होती हैं, सिकुड़ जाती हैं, it release. उसके बाद क्या होता है, जो ये हमारा lens है वो release करता है, pull on the lens, increasing its thickness. जैसे ही contracts और release होता है, relax होता है, वैसे ही हमारे lens की जो thickness होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये था हमारा lens. उसके बाद next है retina. द रेटिना इज़ द इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ द आई। जो हमारी रेटिना है वो इनर मोस्ट लाइनिंग, सबसे नीचे की लाइनिंग है आई की। द रेटिना लाइंस अबाउट 3/4 ऑफ द आई बॉल एंड इट इज़ थिकेस्ट एट द बैक। ये रेटिना की जो लाइन होती है वो 3/4 में होती है, मतलब थ्री भागों में विभाजित होती है आई बॉल के, एंड ये क्या होती है, थिकेस्ट होती है एट द बैक, और बैक के साइड पर क्या होती है, थोड़ा सा थिकेस्ट होती है, मतलब मोटी होती है। एट थिंस एड आउट इंटेरियरली, और आगे की तरफ क्या होती है, पतली होती है। टू इंड जस्ट बिहाइंड द सीलरी बॉडी, और ये कहाँ पे ख़त्म होती है, सीलरी बॉडी के जस्ट पीछे। तो रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लाइनिंग है आई की, और इसमें क्या होता है, 3/4 ऑफ आई बॉल होते हैं। जो आई बॉल का बैक होता है वो थिकेस्ट होता है, और जो एंटीरियर भाग होता है वो पतला होता है, और जस्ट बिहाइंड द सीलरी बॉडी। और रेटिना कहाँ पे पाई जाती है, सीलरी बॉडी के जस्ट पीछे। उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स होती हैं जो हमें काम, मतलब जो हमारी आई की मसल्स होती हैं उन्हें देखने के लिए उत्तेजित करती हैं, उनके काम आती हैं। द फाइबर्स ऑफ द ऑप्टिक नर्व ऑरिजिनेट इन द रेटिना। जो फाइब्रस, जो हमारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो फाइब्रस की बनी होती हैं, जो रेटिना से ऑरिजिनेट होती निकलती हैं, एंड कवरेज टू फॉर्म द ऑप्टिक नर्व, और जितने भी हमारी ऑप्टिक नर्व होती हैं उनको कवर करती है। अबाउट 0 to 5 cm टू द नेजल साइड, और जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है 0 to 0.5 cm नाक के साइड होती है, ऑफ द ऑप्टिक डिस्क, और साथ में कहाँ पर होती है, ऑप्टिक डिस्क के पास। तो ये थी हमारी ऑप्टिक नर्व्स। कुछ एसेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं आई के। द आई इज डेलीगेट ऑर्गन, सबको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय सेवरल स्ट्रक्चर्स, और जो हमारा आई है बहुत सारी स्ट्रक्चर द्वारा प्रोटेक्ट होता है, जिसमें एसेसरी जैसे हमारी आईब्रोज होती हैं जो हमारे आँख के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। आईलिड्स एंड आईलेसेस होती हैं जो आँख के ऊपर, जिन्हें हम लोग बिन्निया बोलते हैं, वो होती हैं। लैक्रिमल अपरेटस होते हैं, लैक्रिमल डक्ट्स होती हैं जिनके द्वारा हमारे आँख से आंसू निकलता है, वो हमारे आँख के साइड में पाई जाती है। जैसे हमारी आँख पे कुछ पड़ता है या कुछ हम रोते हैं, इमोशनल होते हैं, तो हमारे आँख से आंसू निकलते हैं। तो ये सारे एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ द आई। अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द आई, फिजियोलॉजी ऑफ द साइट, मतलब हम कैसे देखते हैं। लाइट वेज ट्रेवल एट
30 करोड़ मीटर्स पर सेकंड, जो हमारी लाइट वेव्स होती हैं, जो हमारी लाइट आवेग होती हैं, जो पावर होती है, वो हमारे ट्रेवल्स करती हैं हमारी आईज में 30 करोड़ मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से, और अबाउट 186,000 मील्स पर सेकंड के हिसाब से, मतलब 30 करोड़ मीटर्स पर सेकंड के हिसाब से और 186 मील्स पर सेकंड के हिसाब से ट्रैवल करती हैं आईज में। दिस मच ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, जितना साउंड होता है एयर का उससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो होती है हमारी वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं, कई गुना ज़्यादा स्पीड होती है उनकी ट्रैवल करने की, अबाउट 340 मिनट पर सेकंड, मतलब 340 मिनट पर सेकंड जितनी भी हमारी लाइट वेव्स होती हैं वो हमारी आँख में क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं। एंड एक्सप्लेन वाई वी सी लाइटनिंग बिफोर हेयरिंग थंडर, जब हमारे यहाँ लाइट कड़कती है तो क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले लाइट देखते हैं, उसके बाद हम लोग सुनने से पहले क्या होता है कि हम पहले लाइट चमकती है तो सबसे पहले हम लाइट देखते हैं उसके बाद ही हम लोग सुनते हैं, तो इसलिए क्या है जो लाइटिंग पावर होती है हमारी आंखों की वो बहुत ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू हेयर। तो इसमें यही बताया है कि हवा के साउंड से ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हमारी लाइट होती है, आँखों की लाइट जो होती है वो कई गुना ज़्यादा होती है। लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन टू द आई बाई ऑब्जेक्ट, जो लाइट होती है किसी ऑब्जेक्ट को देखती है उसके बाद क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है विद इन द फील्ड ऑफ द विजन। हमने किसी ऑब्जेक्ट को देखा और जैसे ही हमने देखा वैसे हमारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई, अच्छा ये चीज़ है, और वो जैसे ही हमने देखा वो हमारा जो ऑब्जेक्ट को देखते ही हमारा जो विजन है वो तुरंत विजन फील्ड में जाता है और हमें पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं, या फिर कोई भी लाइट हमारे आँख में पड़ी और जैसे ही हमारे आँख में रिफ्लेक्ट हुई चमकी वैसे ही तुरंत हमारा जो विजन फील्ड है वो हमें इवॉल्वेट किया और हमें बताया कि ये इस कलर की मतलब इस कलर की रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे आईज में पड़ रही है। उसके बाद वाइट लाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स, जो हमारी वाइट लाइट होती है जो सफ़ेद लाइट होती है वो सारे कलर्स का कॉम्बिनेशन होती है ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम, जितने भी विजुअल स्पेक्ट्रम होते हैं जैसे कि रेनबो वगैरह हमने देखा, ये स्पेक्ट्रम है रेनबो है हमने देखा, तो उसमें सारे कलर होते हैं रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिगो एंड वायलेट, ये सारे कलर होते हैं, तो इन सारे कलरों का कॉम्बिनेशन होता है जो हमारी वाइट लाइट होती है, इन सारे कलर की कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, उसके बाद दिस इज डेमोंस्ट्रेटेड बाय पासिंग वाइट लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म दैट रिफ्लेक्ट्स द रेज ऑफ द डिफरेंट कलर्स टू द ग्रेटर और लेजर एक्सटेंड डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंस, जैसे इसका हम डेमोंस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं कि हम कौन सा ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो जो हमारी वाइट लाइट होती है थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जैसे कोई भी ग्लास हमने सामने रखा, जैसे ही ग्लास रखा उसमें क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, मैंने धूप में कोई भी ग्लास रख दिया, जैसे ही रखा उससे क्या होगा, धूप पड़ेगी तो उसमें से क्या होगा, रिफ्लेक्शन निकलेगा, दैट रिफ्लेक्ट, वो तुरंत क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, कोई भी ग्लास होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा दैट द रेज ऑफ द डिफरेंट कलर्स, और जब वो रिफ्लेक्शन करेगा तो उससे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की रेजेस निकलती हैं, जैसे डिफरेंट कलर की रेजर ग्रेटर वो और लेजर, मतलब वो बहुत ज्यादा हाई भी हो सकती हैं और बहुत ज्यादा लेजर भी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा ऊपर भी हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन देयर वेवलेंथ, और ये जो रिफ्लेक्शन है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है कि कितने दूर पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। नॉर्मली हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे कि हमने कोई ग्लास रखा धूप में, वैसे क्या होता है कि कई तरह की तरंगे निकलती, कई तरह के वेव्स निकलते, तरंगे निकलते हैं, और जैसे हम उस ग्लास को देखते हैं वैसे हमारे आईज पर रिफ्लेक्शन जैसे ही पड़ता है कि अरे ये क्या चमक रहा है, तो हमने देखा तो उसमें से हमको कई तरह के रिफ्लेक्शन आते हैं, कहीं हमको ब्लू दिखाई पड़ता है, कहीं हमें येलो दिखाई पड़ता है, तो ये हमारे वाइट लाइट की वजह से ऐसा होता है, और जो रिफ्लेक्शन इतना ज़्यादा होता है धूप वगैरह का कि तुरंत हमारे विजुअल फील्ड पे जाता है और हमें इवॉल्वेट करके बताता है कि हमारे आइज पे ये जो है लाइट पड़ रही है, वो चाहे कितनी दूर पे हो या चाहे कितने पास में। रेड लाइट हैज़ द लॉन्गेस्ट वेव लेंथ एंड वॉयलेट द शॉर्टेस्ट, जो हमारी रेड लाइट होती है उसका जो वेव लेंथ होता है वो बहुत लॉन्गेस्ट होता है, मतलब बहुत लंबा होता है, वॉयलेट द शॉर्टेस्ट, जो वॉयलेट कलर का होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। दिस रेंज ऑफ कलर इज द स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट इन अ रेनबो, वाइट लाइट फ्रॉम द सन इज ब्रोकन अप बाय द रेन ड्रॉप्स
विच एक्ट एज प्रिज्म एंड द रिफ्लेक्टर्स. दिस रेंज ऑफ कलर, जो हमारा रेड लाइट और हमारा वायलेट लाइट है, कलर द स्पेक्ट्रम ऑफ विजुअल लाइट. जैसे हम देखते हैं लाइट को देखते हैं, फिर वायलेट को देखते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ द विजुअल लाइट. जैसे हम कोई भी चीज़ का, जैसे रेनबो वगैरह का हमने विजुअल किया, लाइट देखी, जैसे इन अ रेनबो वाइट लाइट फ्रॉम द सन इज ब्रोकन अप. जैसे ही क्या होगी, हमारी रेनबो में वाइट लाइट जो होती है, वाइट लाइट जैसे वो हमारे रेनबो में पड़ती है, फिर हम रेनबो में वाइट लाइट देखते हैं, सन इज ब्रोकन अप, मतलब जो सन होता है वो ऐसा लगता है टूट गया है, बाय रैन ड्रॉप्स, मतलब जैसे ही रैन ड्रॉप्स होती है ऐसा लगता है कि रैन ड्रॉप्स की वजह से जो सन है वो ब्रोकन अप हो गया. विच एक्ट एज प्रिज्म एंड रिफ्लेक्टर्स, और जो हमारा सन है वो प्रिज्म की तरह या फिर मतलब किसी ऑब्जेक्ट की तरह या फिर रिफ्लेक्टर्स की तरह काम करता है, जिससे हमें विजन का पता चलता है. तो जो फिजियोलॉजी थी, इससे हमने ये देखा कि कैसे कैसे हम लोग देखते हैं, कैसे रिफ्लेक्शन आइज पे पड़ता है. तो पूरे का सिर्फ यही मतलब था कि कितने 30 करोड़ मीटर से ज़्यादा वेव पर सेकेंड जो थी ट्रेवल करती हैं, 1,86,000 मील्स पर सेकेंड से हवा के साउंड से भी ज़्यादा स्पीड लाइट वेव्स ट्रेवल करती हैं. और हमारी आइज पे जब रिफ्लेक्शन पड़ता है, वैसे ही हमारे विजन फील्ड पे पता चलता है कि हाँ हमें ये चीज़ दिख रही है. फॉर एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि कोई ग्लास हम धूप में रख देंगे, उसका रिफ्लेक्शन हमारी आइज पे पड़ता है, तो हमें तुरंत पता चलता है कि हाँ ये इस कलर का. हमने तीन लाइट के बारे में पढ़ा, वाइट लाइट के बारे, जो सारे कलर्स को डिफराई करती है, डिफ्रेंशिएट करती है, और हमने रेड लाइट के बारे में पढ़ा जो बहुत ज़्यादा लॉन्गेस्ट होती है, वायलेट के बारे में पढ़ा जो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और ये वाइट लाइट जो होती है वो रेनबो के कलर को अलग अलग करती है. और ऐसा लगता है कि जो सन है वो ब्रोक अप हो गया, टूट गया है, और जो रेन ड्रॉप्स के साथ वो टूट गया है, ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है. तो ये थी लाइट के बारे में. थैंक यू सो मच. अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं.